पैसे ले लेंगे, इनके बाप की हिम्मतें ले लेंगे। कानून जनता के लिए बनता है, जनता को नहीं पसंद क्यों बना रहे, जबरदस्ती बना रहे हैं, कैसे ले लेंगे भाई? ऐसे तो कोई भी किसी की छीन लेगा। ऐसे कल को दूसरी सरकार आएगी, वो कह देगी कि भाई इनकी क्या कहते हैं, ब्राह्मणों की जमीन छीन लो। नहीं, ये जो कानून था, ये जो पाबंदी थी डीएम की परमिशन लेने के लिए, ये जमीन ना बिकेगी ये तो था ना। ये देखिए, कल को अगर सरकार मान लो अम्बेडकरवादियों की आ जाती है, और वो भी कानून लगा ले कि ब्राह्मणों की ठाकुरों की जमीन एससी खरीदेगा, सिर्फ एससी खरीदेगा, तो क्या ये सही होगा कानून? क्या इनसे छीनने का पूरा राइट मिलना चाहिए? क्या उन लोगों को जमीन विहीन करना चाहिए? 5 एकड़ जमीन का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को अब देश के अंदर और मजबूती से किया जाएगा। जमीन छीननी नहीं है, जमीन लेनी है हम लोगों को, जमीन लेनी है इन एससी वालों को। भूमिहीन हो जाएंगे दलित, तो फिर तो शोषण बढ़ेगा ना। देखिए शोषण, देखिए उनका जितना हो सकता है शोषण कर रहे हैं। अगर भूमिहीन कर दिया ना, तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा, फिर ये सीधी लड़ाई लड़ेंगे और सामने की टक्कर होगी, आमने सामने की। तो इनको क्यों मजबूर कर रहे हो? ये बिल्कुल ही वैसे, इनके पास कुछ खोने को है नहीं। एक एक दो देवी का जमीन है, वो भी तुम छीन लोगे तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। इस देश के अंदर जब ये उठेंगे ना, हुंकार भर के संभाल नहीं पाएगी सरकार इनको। इसलिए कड़ा विरोध हो रहा है इसका, पूरे देश के अंदर कड़ा विरोध हो रहा है, और हम इसका विरोध करेंगे। और ये कानून अगर लागू हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे लोग, सड़कों पर भी बिल्कुल उतरेंगे भाई। हमने पहले भी जब सपा सरकार ने ये किया था 2018 में, 2017 में ये कानून लाए थे और इस पर चर्चा हो रही थी, तब भी हम लोगों ने डीएम को घेरा था, कमिश्नर को घेरा था, और उनको ये वापस करना पड़ा था। सरकारें जनता के लिए बनती है, ना कि जनता सरकारों के लिए। फायदा नहीं, एससी एसटी को नुकसान है। जब एससी एसटी चाहता ही नहीं, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो भाई? ये फायदेमंद भूमि माफियाओं को, ये पैसे वालों के लिए है, ये गरीब के लिए फायदेमंद हो ही नहीं सकता। अगर होता तो बहुत पहले ये कानून आप लागू करके इनसे जमीनें छीन लिए होते और वो इसके साथ एग्री हो जाते, ठीक है? आज अगर उनके छोटी छोटी जमीनों की कुछ कीमत बढ़ी है, तो आज आप इस तरह के कानून से छीन लेना चाहते हैं? जब एससी की जमीन सिर्फ एससी खरीद पाता था और डीएम की परमिशन की मजबूरी बन जाती थी, तो ये जो जमीनें थी एससी के पास बची रह जाती थी, जो भी उनके पास थी, छोटी ज्यादा जितना भी था उनके पास, एक ही चीज है, क्योंकि उनके पास व्यापार नहीं है, उनके पास बड़ी बड़ी नौकरियां हर घर में नहीं है, तो उनके पास ये जमीन ही उनकी रोजी रोटी का संसाधन साधन है, और आगे उनके बढ़ने के, बच्चों की शादी ब्याह हर काम वो अपनी जमीन के खेती पे ही करते हैं। तो ये जमीनों को हड़पने का जो इन्होंने रास्ता खोला है कि भू माफिया इनको छीन लेंगे, और भू माफिया पहले लठ के जोर पर छीनते थे, अब बंदूकों के जोर पर छीन लेंगे, अब उनके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल, उनके लिए आसान करने का ही ये सारा तरीका बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब इन लोगों के पास जमीनें होती थी, तो जमीन वाले के पास जोर होता है। पहले तो सरकार ने इनको जमीनें नहीं दी। अगर आज एससी के पास कुछ जमीनें हैं, तो वो भी बीएसपी गवर्नमेंट की वजह से है। जो पट्टे, उनको कुछ पट्टे मिले, उन पट्टों पर उन्होंने खेती करी, उन्हें भी लगा कि हम भी जमीन वाले हो सकते हैं। और जब ऐसा कानून नहीं था, ये बीएसपी गवर्नमेंट ने कानून बनाया, उससे पहले जब उनके पास थोड़ी बहुत जमीनें थी, ये लोग कर्जा उर्जा ले लेते, क्योंकि गरीब होते हैं भाई, छोटे छोटे कामों के लिए ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, तो इस तरह से ब्याज का ब्याज बढ़ा करके इनके पास कर्जे का इतना ऊंचा लेवल कर देंगे कि ये कहेंगे साहब हम पे तो है नहीं, तो कहेंगे ला जमीन नाम कर। तो जमीन छीनने के रास्ते ही उनको बिल्कुल जमीन विहीन कर दिया जाएगा, गुलाम बना लिया जाएगा, मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपनी बेटियों को, अपने घर को उनके कब्जे में कर। क्या जमीन बच जाती थी दलितों? देखिए, इससे जमीन बचती थी, क्योंकि एससी की जमीन एससी खरीद पाता था। उसमें क्या होता था कि एक, ये सारे एक जैसे ही हैं, कोई भी इतना तो है नहीं कि कोई भूमाफिया बन गया हो और छीन लेता हो। और छीनने का बात अगर आती थी, तो बात ये आती थी, यार समाज की जमीन समेत आदमी खरीद रहा है, वो छीन रहा है, तो वो थोड़ा शर्माता था, लजी आता था कि हाँ भाई अपने आदमी की जमीन नहीं छीन लिया मुझे। डीएम परमिशन भी नहीं देता था, और डीएम परमिशन भी नहीं देता था। लेकिन आज जो है, पूरी तरीके से खुली छूट हो जाएगी, और खुली छूट इतने उस पर होगी कि इन्हें मार के इन्हीं की जमीनों में गाड़ दिया जाएगा। आज भी होता है, आज भी होता है, आज भी उनकी जमीनें ले ली जाती हैं, किसी एससी आदमी को सर्टिफिकेट के तौर पर यूज कर लिया जाता है, पावर पूरी खुद के हाथ में रहती है, और आदमी उसी एससी कैटेगरी का ढूंढ लिया जाता है, उसी के नाम ट्रांसफर करवा के सारा बिल्डिंग उस पर अपने ना, अपने उस पर बनाई जाती कब्जे पर, के इनको पूरी तरीके से जमीनों से साफ कर देना चाहते हैं कि इन पर ना जमीन बचे, ना इन पर जोर बचे, ना हिम्मत बचे। क्योंकि जमीन के दम पर ही वो बेटियों की शादी कर लेते थे, जमीन के दम पर अगर बच्चे की नौकरी लगवानी हो इस घूसखोरी सरकार में, भ्रष्टाचारी सरकार में, तो जमीन बेचकर अपने बच्चे की नौकरी लगा लेते थे, जमीन बेचकर अपना घर बना लेते थे, छोटे छोटे टुकड़ों से वो अपनी खेती कर लेते थे, उसमें खेती करके अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, अपने बच्चों को फसल के दम पर ही अपना घर चलाते थे। आज उनका तो घर चलाना भी पूरी तरीके से बंद कर देंगे ये लोग, क्योंकि वो कहीं पे दिखाई दे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो है उनमें कहीं उनकी भागीदारी तो है। कहा जाता है ये जो डीएम की परमिशन जो चाहिए थी जमीन बेचने के लिए दलित की, एससी एसटी वालों की, उससे जमीन सस्ती जाती थी। आपका अगर ये रास्ता खुल जाता, जमीन महंगी बिकेगी, आसानी से बिकेगी, ये भी कह रहे हैं। अभी देखिए, अगर ये कानून नहीं होता तो बहुत पहले छीन ली जाती, जब जमीनों की कोई कीमत नहीं। आज जमीनों की जब कीमत हुई, तो इन्हें पता चल गया कि इनके पास जमीनें हैं, और इनके पास जमीनें हैं तो इनसे आज हम छीन नहीं सकते।
अब जब कीमत हो गई है क्योंकि उनके पास बची रही, उस कानून की वजह से जमीन इनके पास बची रही, बची रही, इसलिए जो व्यक्ति कल रोडपति था बिल्कुल, आज वो उन जमीनों के दम पर करोड़पति हो गया, लाखों की जमीनें जा रही है, करोड़ों के रेट हो गए, क्योंकि गरीब किसान और अनजान किसान तो ये जानता भी नहीं कि उसकी जमीन की कीमत कितनी है और उसको छोटे दामों पर उससे छीन ली जाती है। इन्होंने उनकी शिक्षा छीन ली, उनका रोजगार छीन लिया, उनका स्वास्थ्य छीन लिया, उनके पास एक एक दो दो टुकड़े जमीन जिस पर वो अपने मेहनत करके रोटी खा लेते थे, आज वो उनसे जमीन भी छीनने के लिए निकले हुए हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे, आप ब्राह्मण का विकास और इस देश में गरीबों मजदूरों की हत्या कर रहे हैं और खुलकर हत्या करने के लिए भू माफियाओं को, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को एकदम से रास्ता साफ करके दे रहे कि आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। और जब सरकार गुंडों के साथ सहयोगी करे, जब सरकार कहती है, योगी सरकार कहती है कि हमने गुंडों को बिल्कुल डरा के रखा हुआ है, माफिया बिल्कुल हमारे सामने घबराते हैं, लेकिन माफियाओं के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, गरीबों के लिए कानून तोड़े जा रहे हैं, तो ये गरीबों की सरकार कैसे हो गई भाई? अगर आप गरीबों के लिए चुने गए हैं, वोट परसेंट गरीबों का ज़्यादा होता है, वोट परसेंट एससी का ज़्यादा होता है, वोट परसेंट उन लोगों का ज़्यादा जो भूमि विहीन है, आप उनके लिए तो काम नहीं कर रहे, उनके लिए तो कानून नहीं बना रहे, ना उनके लिए सोच रहे, जो छोटी मोटी ताकतों की वजह से उनके पास कुछ बचा हुआ है वो भी आप छीनने के लिए नए नए प्रपंच रच रहे हैं। उनके पास एक एक दो दो बीघा जमीन, मैंने कहा ना उनके पास कुछ करोड़ों की जमीन नहीं है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, कोई उनके बड़े बड़े यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डर नहीं है वो लोग, वो तो उस जमीन पर बिल्डिंग नहीं बनाते, उस जमीन पर अनाज पैदा करते हैं, उस अनाज को पैदा करके वो अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों के लत्ता कपड़ा, अपने बच्चों का घर का सारा रोजी रोटी उनकी उससे चलती है, और अब ये उसको बिल्कुल छीन लेंगे तो अब वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, वो फुटपाथ पे आकर क्या करेगा, वो कहाँ से रोटी खाएगा? पर एससी एसटी समाज इसका विरोध कर रहा है, ये जो नहीं तो पूरे देश में विरोध हो रहा है और ये विरोध होगा, ये विरोध करने वाली बात है। आप उसके मुंह से निवाला भी छीन रहे हैं, वो इसी दम पर इतनी महंगी एजुकेशन आपने कर दी है, उसी के दम पर अपना अनाज बेच बेच के बेचारा जो खाने के लिए उसका होता था वो बेच बेच कर स्कूलों की फीस जमा करता था, अब वो फीस कहाँ से जमा करेगा, अब वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, अब वो अपनी बेटियों के लिए जीवन की सुरक्षा कैसे करेगा, वो इसी के दम पर दवाइयां ले आता था, इतनी महंगी दवाइयां आजकल हो रही हैं, वो कहां से खाएगा, कहां से दवाई लाएगा? गांव में तो इंसान का अगर ओहदा देखा जाता तो जमीन के हिसाब से देखा, बिल्कुल देखिए जमीन के दम पर इंसान की वैल्यू आंकी जाती है इस भारत के अंदर, जमीन पूरी दुनिया में जमीन देखिए वैल्यू आंकती है आदमी की, कितनी वैल्यू उसकी जमीन से आंकी जाती है, लेकिन भारत के अंदर जमीन जो है शोषण करने का भी एक जरिया है। जब भी इस देश के अंदर जमीनें कब्जा की गई हैं भूमाफिया के द्वारा, तब तब इस देश के अंदर मजदूरों ने, किसानों ने हल छोड़ करके, इस देश में नहीं इस पूरी दुनिया का इतिहास बताता है कि उन्होंने आंदोलन किए हैं। अगर आज ये कानून होता है और इस तरह से अगर ये काम चला जाता है तो देश के अंदर फिर से सारे दलित इकट्ठा होकर के फिर आंदोलन करेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता अगर ये कानून आ जाता है ये तो इससे जो एससी एसटी की जमीन है वो चली जाएगी सारी, और जो पुराने जो शोषण का तरीका है वही जब जमीन चल जाएगी तो फिर उनके यहाँ काम करने देखिए सरकार ने, हमने अभी कुछ सालों से एक मुहिम चला रखी है, हमें 5 किलो राशन नहीं 5 हेक्टर जमीन चाहिए, आप मुफ्त का राशन आप रखो, हम मेहनत कश लोग हैं, इस देश की जो गरीब मजदूर जनता है वो फावड़ा चलाना जानती है खेत में, वो हल चलाना जानती है, वो गेहूँ उगाना जानती है, धान उगाना जानती है, वो प्रकृति से हर कुछ उगाकर हिम्मत से पैदा करना जानती है, तो आप उनको 5 किलो राशन मत दो, ना उनको लंबे लंबे भाषण दो, आप उनको 5 हेक्टर जमीन दे दो। और ये पिछले 2 साल से हम लोग मुहिम चला रहे हैं, इस बार 8 मार्च को पूरे देश भर के अंदर वॉइस ऑफ वुमेन्स के तहत हमने अपने बैनरों पर लिख करके ये कंटेंट और तब कार्यक्रम किया था गांव-गांव में जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में।